Yeah, boy. भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया? गाली तो मुंह से निकलती है। जो इसमें आया हूं। हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर पबजी मोबाइल सोलो रैंक फोर्स गेम प्ले वीडियो। तो गाइस देखो, मैं पहुंच चुका हूं टॉप 500 के अंदर। एस स्टार 5 पर मेरे को टॉप 500 मिल गया और फिलहाल के लिए ये रहा मेरा रैंक, 389 मेरा रैंक चल रहा है। और इतने में अगर कॉन्कर हो जाता है तो ठीक है। अगर किसी को पता है कि भाई 389 रैंक पे मैं अगर छोड़ दूं तो सुबह तक मेरे को कॉन्कर मिल जाएगा, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि मेरे को नहीं पता। अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर तुम लोग बताओगे तो भाई एक दो गेम और खेलूँगा जिसमें 10-20 पॉइंट और प्लस करूँगा, तो भाई एकदम सेफली नेक्स्ट डे मतलब कल मेरा कॉन्कर हो जाएगा। फिलहाल देखो, मैं तो पहुँच चुका हूँ ऑलमोस्ट कॉन्कर, तुम किस पर पहुँच गए हो जल्दी से कमेंट करके बता देना। और गाइस मैं एक चीज़ तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं फेस कैम करूँ, मतलब वीडियोज़ में फेस कैम या फिर हैंड कैम? अगर तुम चाहते हो तो भाई जल्दी से 40 के सब्सक्राइबर करने पड़ेंगे, मतलब अगर 40 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं तब मैं ये चीज स्टार्ट करूंगा। तो भाई तुम लोगों को अगर हैंड कैम वीडियोस चाहिए, मतलब हैंड कैम विद गेम प्ले विद हैंड कैम या फिर गेम प्ले विद फेस कैम चाहिए वीडियोस, तो भाई जल्दी से 40 के सब्सक्राइबर करने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं तुमको एक इजी बता दूँ, देखो क्या है सीन। मैंने चेक किया अपना सारा कुछ स्टेटिक्स यूट्यूब के, तो उसमें मेरे को पता लगा है कि भाई 10,000 व्यूज़ आते हैं, उसमें से भाई 5,000 लोग विदाउट सब्सक्राइबर के वीडियो देख के चले जाते हैं और 5,000 लोग जो सब्सक्राइबर हैं वो देखते हैं। तो भाई मतलब जो 5,000 लोग नहीं देखते हैं वो लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो भाई कल परसों में ही मेरे 40 के सब्सक्राइबर हो सकते हैं, और परसों से ही हम गेम प्ले लाना स्टार्ट कर देंगे विद फेस कैम विद हैंड कैम, बहुत से लोग मांगते भी रहते हैं। तो भाई अगर देखो तुमको चाहिए है तो बता दो यार, मतलब तुमको देखना है कि मैं कितना जायरो यूज करता हूँ, कैसे कैसे मतलब मैं 180 डिग्री घूम जाता हूँ कभी कभी स्प्रे लेते हुए, वो चीज़ अगर तुमको देखनी है तो भाई जल्दी से 40 के सब्सक्राइबर करो ना यार, मतलब दबाओ बटन दबाओ जल्दी से। फिलहाल बात करते हैं गेम प्ले की। अब यहाँ पर देखो मैं आ गया था अच्छी सी पोजीशन पे, पहले मैं यहीं पर आया, उसके बाद मैं फिर दूसरी जगह जाता हूँ, वहाँ से जोन हट जाता है और ये सेंटर में होता है, तो मैंने कहा ये जगह अगर खाली हुई तो मेरे तो भाई मतलब लड्डू ही फूट जाएंगे। और यहाँ पर मैं आ गया, अब सामने एक बंदा रहता है, जोन आ रहा था तो उसको भी आना था। फिलहाल इस बंदे की तो किस्मत ही ख़राब थी, अब वो बंदा यहाँ पर आ चुका है या फिर वो बंदा मर चुका है पता नहीं, जो UAZ वाला था। अब सामने एक बंदा था, अब इससे मेरे को खतरा ये था कि भाई ये बंदा नेड कर सकता है मेरे, अगर अंदर नेड आया तो मैं नहीं बचने वाला। मैंने उससे पहले कि वो नेड करे मैं ट्राई करता हूँ एक नेड, उसने भी नेड किया था लेकिन वो सही से लैंड नहीं करा पाया और यहाँ अंदर नहीं आ पाता है। वो एक बन बाउंस में अंदर कर सकता है, मेरे गेट टूटा हुआ है, गेट से बन बाउंस अंदर आ सकता है नेट, लेकिन वो सही से कर नहीं पा रहा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अंदर ही अपने ही ऊपर स्मोक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर खिड़कियों का व्यू मतलब खिड़कियाँ दिखेंगी ही नहीं तो वो नेट कैसे करेगा, तो मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ। तो भाई मैंने कहा नेट स्मोक कर लेते हैं जिससे कि गेट दिखना बंद हो जाए, खिड़कियाँ दिखना बंद हो जाए, तो भाई वो फेंकेगा कहाँ पर। एक मैंने उसके ऊपर स्मोक कर दिया जिससे वो कंफ्यूज हो जाए थोड़ा। अब देखो मेरे को जोन में जाना है, पीछे वाले बंदे को भी जोन में जाना है, तो भाई देखो अब यहाँ पर कितनी भसड़ होने वाली है। अब देखो पीछे वाले बंदे ने एक बंदे को मारा है M762 से, तो यानी कि मतलब पीछे एक बंदा है, तो यहाँ पर देखो जोन आने वाला था। मैंने उठाई बग्गी, मैंने कहा घुमाएंगे, दूसरी जगह चाहिए अपन को। अब यहां पर देखो क्या हुआ,
अगर ये किल अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से लाइक वाले बटन को दबाओ, 2.5 के लाइक में, और सब्सक्राइब कर दो अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो भाई सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ जल्दी से, मतलब दबा दो। अब यहाँ पर देखो एक बंदा ये रहा है, एक बंदा लेफ्ट में ऊपर है जो कि एक बंदा बग्गी लेके आ रहा है। अब इसको तो मैंने किल कर दिया, लेकिन मैं होता हूँ थोड़ा सा जोन के बाहर, मतलब जोन के अंदर ही होता हूँ, बट ये पोजीशन बेस्ट नहीं थी मेरे लिए। अब देखो मैं फंस चुका था, क्योंकि अगर मैं वहां रहता तो वो गाड़ी फोड़ के मार देता। मैं सोच रहा था कि वो पेड़ के बगल में, लेकिन बंदा होता है थोड़े से लेफ्ट में और वो इजी किल मेरे को करता है। यहाँ पर मेरा कोई बचने का चांस ही नहीं था, अगर मैं वहाँ गाड़ी पर लेटा रहता, पीछे जाता तो जोन से डैमेज होता, गाड़ी पर लेटा रहता तो भाई वो गाड़ी फोड़ के मार देता। इससे अच्छा है कि भाई उस पर रस कर दो, अगर हो सकता है तो किल हो जाए हो जाए, नहीं तो क्या है भाई। फिलहाल यहाँ पर थोड़े बहुत एस के शॉट। अब ये देखो अपना नेक्स्ट गेम प्ले है, और इसमें भाई SKS थोड़ी बहुत चला के मैं तुमको दिखाऊंगा कार पर। अब देखो इस बंदे को हेड लगा था, तो मैंने कहा एक गोली और कनेक्ट हो जाए तो भाई ये बंदा हो जाएगा कि, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसको मैंने हेड कनेक्ट किया, वो भी SKS का, और भाई M4 का भी एक हेड कनेक्ट किया, तो भाई ये बंदा हो जाता है किल SKS का। अगर ये हेड अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को जरूर से लाइक करना, लाइक 2.5 के है तुम लोग कंप्लीट कर देते हो इसलिए मैं अभी बता देता हूँ, तो भाई जल्दी से दबा दो, और जो भी बंदा नया है तो भाई कर दो, 40K पर हम लोग लाने लगेंगे हैंड कैम वीडियोज़ या फिर फेस कैम वीडियोज़। अभी यहाँ पर एक गाड़ी तो निकल गई, लेकिन दूसरी गाड़ी आती है, मैंने कहा इसको नहीं जाने देंगे। अब पीछे वाला बंदा सोच रहा था कि वो बंदा अभी भी गाड़ी में, तो वो गाड़ी पे ही स्प्रे दे रहा था। अब सामने तुमको एक गाड़ी दिख रही होगी, वो बंदा बहुत देर से यहाँ पर है और वो पेड़ के पीछे हो सकता है, इसलिए मैंने वहाँ पर फायर लिया रैंडम। मैंने कहा पैर वैर दिख रहा हो बंदे का तो शायद कनेक्ट हो बुलेट। तो अब देखो यहाँ से जोन हटने ही वाला है, मैं इस बंदे की बात कर रहा था, ये बंदा बहुत देर से वहाँ पर होल्ड करके रखा था, स्मोक करके वहीं पे होल्ड कर रहा था, और फाइनली उसको मैंने किल कर दिया। अब यहाँ से देखो जोन हट जाता है, एक आती है बग्गी, अब यहाँ पर बग्गी वाले का किल देखो तुम। तो भाई इसको तो मैंने पहले ही एक हेड एक बॉडी दे दिया, तो बंदा रुकता है हीलिंग के लिए, और उससे पहले वो रुके उतरे पोजीशन ले, मैं उतरा और मैंने उसको एक गोली कनेक्ट की और वो बंदा हो जाता है किल। अब यहाँ पर मैं लूट लेता हूँ, और यहाँ से भाई जोन हट चुका है और मेरे को जाना है जोन में, तो भाई अब देखो कैसे रोटेट करते हैं जोन में। 12 बंदे अलाव में बहुत बजड़ थी इस गेम में, अब यहाँ पर मेरी गाड़ी ठुक जाती है, मैंने कहा ओ भाई ये कैसे हुआ। अब देखो यहाँ पर एक VIDM खड़ा है पीछे की साइड, सामने एक बंदा तुमको स्पॉट हुआ होगा, बट जब मैं गेम खेल रहा था तब ये बंदा मेरे को ध्यान में ही नहीं था, मतलब ये स्पॉट ही नहीं हुआ था। अब यहाँ से देखो जोन हट जाता है, जोन में अभी फ़िलहाल के लिए मैं हूँ, और जोन है सामने वाले घरों में पीछे, तो मेरे को जाना है जोन में, मैंने कहा निकलते हैं भाई। सामने स्मोक हो रखा है, मैंने कहा वहाँ पे एक बंदा है इसको ध्यान में रखेंगे, पीछे मैंने स्मोक कर दिया इसलिए क्योंकि वहाँ एक VIDM थी और मेरी गाड़ी है जोन के बाहर और मेरे पास बूस्टर है नहीं। मैंने गाड़ी उठाई, मैंने कहा निकलो जल्दी से, अब सीधा मैं स्लैमिन करने वाला हूँ घर में, क्योंकि कोई भी ऑप्शन दूसरा है नहीं, घरों पर ही जोन है पूरा।
अब यहाँ पर पीछे वाले बंदे ने भाई बहुत गलत किया मेरे को स्प्रे देके, क्योंकि उसको मैं भूल गया था, कि वो वहाँ पे पीछे कोई है भी, उसने याद दिला दिया तो भाई उसको जोन में आने नहीं दिया। जब तुम जोन में जा रहे हो तो भाई ये सोचो कि मैं किसी पे फायर ना लूँ, अपनी पोजीशन मैं किसी को ना बताऊँ। इतना तुम अगर करते रहोगे तो भाई तुम जोन, वो बंदा ईजी आ सकता था जोन में अगर वो, क्योंकि कोई दूसरा फायर लेने वाला था नहीं उस पर, मैं ही था, और इजी क्लोज आ सकता था मेरे, लेकिन उसको चुल थी, तो भाई चुल मैंने मिटा दी उसके। अब यहाँ पर देखो सामने बंदा है एक, जस्ट मेरे पीछे वाली बिल्डिंग में बंदा है और कुछ बंदे इसमें हैं। तो अब देखो मेरे को जाना है जोन में, तो भाई मैंने पहले नेड ट्राई कर लिए सारे के सारे, और यहाँ से मैं उठा लेता हूँ स्मोक्स। अब स्मोक का यूज तुम देखो यहाँ पर कैसे किया मैंने, सारे स्मोक कर दिए, तीन बंदे अलाइव बचे हुए हैं, दोनों बंदे उसी बिल्डिंग में, एक ऊपर है एक नीचे है और एक मैं हूँ, मतलब तीसरा मैं हूँ। मैंने उनकी विंडोज़ भी ब्लॉक कर दी, मैंने कहा भाई कोई भी किसी भी तरीके से मेरे पे स्प्रे ना ले पाए, लेकिन फिर भी एक बंदा मेरे पे स्प्रे लेता है, वो चीज़ तुम ज़रूर देखना। अब जैसे ही मैं निकला मेरे पे आता है स्प्रे, मतलब रेंडम, तो मैं भी रेंडम ही फायर कर देता हूँ। मैंने सोचा यहीं पर है बंदा, तो मैंने भी रेंडम फायर दे दिया, FPP स्विच किया था मैं। अब यहाँ पर देखो जैसे ही स्मोक हटता है तब सारा कुछ क्लियर हो जाता है, क्योंकि अभी तो भाई कहीं भी तुम जाओगे तो कहीं से भी पड़ सकती है। अब देखो एक बंदा है ऊपर वाले फ्लोर पे, एक बंदा है नीचे, तो मैंने मोलोटोप की, मैंने कहा इनको क्या घर लेके जाना है, इनको यहीं पर यूज कर लो। अब यहाँ पर मैं एक गलती कर देता हूँ, मेरे को डाउट लग रहा था कि वो बंदा मेरे पे नेड वेड करेगा, और बंदा नेड करता है और नेड से मैं बचता हूँ कैसा हूँ ये तुम देखना। मतलब मैं लकी था इसलिए मैं बच गया, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं खुद से बचा। देखो अभी यहाँ वो बंदा नेड पिन करता है, ठीक है, मैं आगे की तरफ गया, ये नेड बाउंस होके घर के अंदर जाता है, ध्यान से देखो, ये देखो ये गया दीवार पे लग के खिड़की के अंदर, अगर खिड़की में ना लग के, मतलब दीवार में अगर लग जाता वहीं गिर जाता नेट, तो मैं तो मर गया था, सीधा अंदर गया तो मैं बच गया। अब मेरी ये गलती थी कि मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि बंदे मेरे को बेट करने वाले हैं, नेट पिन करेंगे बस वो रख लेंगे और मैं अंदर जाऊँगा, जिससे वो भाई मेरे को ईजी किल करने वाले हैं। देखो अब तुम यहाँ पर क्या होता है, जैसे बंदों का साउंड आया नेट पिन खींचने का, मैं घुस जाता हूँ अंदर, मेरे को नहीं तो पता कि बंदा वो बैल्कनी में है, ये ग्रोजा वाला और ये इजी किल कर देता है हम दोनों को, तो भाई इसको मिल जाता है चिकन डिनर। तो गाइस ये था गेम प्ले, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस OT के सब्सक्राइबर जल्दी से कराओ भाई, फेस कैम एंड हैंड कैम वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।